गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, अपना एक लेख रह गया है सिर्फ लास्ट। पुस्तकां दा महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। ये तुहानू भी पता है कि साडी लाइफ दे विच, जीवन दे विच किताबां दा किन्ना वड्डा योगदान है। किताबां नहीं होणगियां असीं पढ़ांगे कित्थों? जे पढ़ांगे नहीं तो सानू ज्ञान कित्थों मिलेगा? ठीक है, मनोरंजन कित्थों करांगे? एक सफल इंसान कित्थों बनांगे? ठीक है, अपनी इच्छा, अपनी जो असि बनना चाहते हो किस तरह बनांगे? ताकि बिना किताबा तो असं कुछ भी नहीं। किताबा ही है जो साढ़े जीवन दिया पक्का जो साथी होंगे, सारे दोस्त मित्र छड़ जाते हैं। पर जो बुक्स तो पढ़िया हुआ जो ज्ञान है वो नॉलेज है, ना तो कोई चोरी कर सकता है, नहीं कर सकता, ना तो कोई थोड़े को छीन सकता है, ना तो उस ज्ञान को कोई चोरी कर सकता है, ना तो कोई छीन सकता है। तुहाडे कोल एक रुपया नहीं ना, कुछ भी नहीं है। जे तुसी ज्ञान हासिल किया है, किताबा पढ़िया, नॉलेज है, तो तुसी एक सफल ते अमीर आदमी बन सकते हो। सिर्फ ते सिर्फ किताबा तो पढ़े हुए ज्ञान दे नाल ही, नॉलेज नाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है ना बेटो, उन्होंने घर की साढ़े को इकनोमिकल कंडीशन बड़ी वीक सी, कुछ भी नहीं सी, फिर भी वो भारत के पहले कानून मंत्री बने, संविधान लिखा उन्होंने भारत का, किन्ने अहुदिया ते रहे, प्रिंसीपल की पोस्ट ले, अज भी उन्होंने किन्ना मान दिता जाता है। वो बहुत गरीब फैमिली चो से, इको रूम से उन्होंने को लाइट भी नहीं सी, रोशनी भी नहीं सी पढ़ने लई, दीवे दी मध्यम लो, दीवे दी लो दे दीवा जगा के पढ़ते सी। कितनियां मुश्किलों का सामना करना पिया, ते इन्ने लाइट सी उस समय जो कि होशियार विद्यार्थियों को वजीफा दिता जाता सी, वो वजीफा उन्होंने प्राप्त किया, हाईएस्ट स्टडी लई अमेरिका भी गए। तो देखो एक पढ़न लिखन दे करके ही बहुत सारिया बुक्स पढ़ते सन, ते अज वो देखो पूरी दुनिया दे विच उन्होंने जान तो बाहर भी उन्होंने कितना याद किया जाता, सिर्फ ते सिर्फ किताबा, ज्ञान, पढ़ाई नहीं छड़ी उन्होंने, पढ़ना नहीं छड़िया, कि सिर्फ ज्ञान करके। जे असी पुस्तकां नाल प्यार करांगे ते पुस्तकां साडा सारी जिंदगी साडा उंगल फड़ी रखणगियां, जिदा माँ छोटे बच्चे की उंगल फड़दी ना, माँ बच्चे नूं गिरन नहीं दिंदी, उस तरह बेटा जो पुस्तक ही है वो साढ़े रिकर फटदी उंगल फटदियां, साडा साथ दिंदियां, कभी साथ नहीं छड़दियां। जिहड़ा किताबां तो असीं ज्ञान हासिल कीता, कितने भी चले जाओ दुनिया के हिस्से दे विच, जे तुहानूं ज्ञान हासिल है तुहानूं कोई हैरान नहीं सकदा, नीवां नहीं दिखा सकदा, तुहानूं तुहाडी कोई इंसल्ट नहीं कर सकदा, जे तुसीं ज्ञान हासिल कीता है, बुक्स पढ़ियां हन, वधिया किताबां, चंगीआं किताबां पढ़न दी वी काफ़ी सारी होंदियां, पर अच्छीआं किताबां। ठीक है, कई बच्चे अपनी सब्जेक्ट में किताबा तो पढ़ते ही है, पर उस तो इलावा होर भी किताबा पढ़ते हैं। हुण काफ़ी सारे बच्चे तुसीं जानते हो स्टडी भी तो लायक होंगे ही होंगे, प्रतियोगिता भी जितते हैं, जितते हैं ना, अपनी स्टडी का लॉस ही नहीं करते। ठीक है, वह बच्चे देखो कितनी प्रेज होंगी उन्होंने पेरेंट्स की, वो बच्चे कल तक बेटा उन्होंने एक ना एक सफल इंसान जरूर बनते हैं जो किताबों नाल प्यार करते हैं। अपने विषय की किताबा तो पढ़ते, उस तो इलावा भी एक्सट्रा किताबा पढ़ते हैं। हुण कई हुंदा है कईआं नूं धार्मिक पुस्तकां दी काफ़ी किस्म है, किस्म है टाइप्स है, धार्मिक पुस्तकां, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत, बाइबल। ठीक है, कुछ लोग जिहड़े वेले समय दे विच बाइबल पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं, कुछ रामायण, कुछ ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ठीक है, उन्हां दा वेले समय, ठीक है, टाइम भी पास हो जाता है ते परमात्मा नाल भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जीवन दे विच उन्हां नूं काफ़ी कुछ चंगा सीखने मिलता है। ठीक है, काफ़ी ज्ञान भी मिलता है, नॉलेज मिलती, परमात्मा नाल भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, टाइम भी पास हो गया तो काफ़ी कुछ सीखने भी मिल गया, तो वो सीखे हुए ज्ञान सिर्फ उन्होंने तक नहीं देता, वो अगो अपने कि देंगे, अपने बच्चों को देंगे। ठीक है, अपने बच्चों को देंगे जो अच्छिया जी पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञान अगे भी गया, वो ज्ञान उतने दिया, ज्ञान बढ़िया भी। ठीक है, कईयों आदत होंगी कोई कॉमिक
ठीक है, मतलब कि कार्टून या किताबां या बाल, ठीक है, बाल बड़ी कहानियां बुक्स पढ़नियां, वो भी ठीक है, मनोरंजन भी होंगे है। ते नैतिक कदरां कीमतां नाल जुड़ते हैं बच्चे, मोरल वैल्यू बेस्ड कहानियां स्टोरीज, हम छोटे बच्चों तो यही कहा ना स्टोरीज वाली बुक्स पढ़ो, ठीक है, उन्होंने नॉलेज भी वध गई ते उन्होंने ज्ञान च भी वाधा होया ते उन्होंने काफी कुछ सीखने भी मिलिया छोटे होंदिया तो, ठीक है। इसी तरह कईयां नूं आदत हुंदी कोई साइंटिस्ट कोई विज्ञानी, ठीक है, रिसर्च नाल रिलेटेड अपना उन्होंने शौक है, कोई रिसर्च नाल रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, विकल तक हो, ठीक है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई विज्ञानिक बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, जो रिसर्च नाल रिलेटेड किताबें बनते हैं पढ़ते हैं। ये भाव कि सानू अपने टाइम दे विच किताबां जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबां ही सानू वेले समय दी साडा साथी हैं, ठीक है, साडे मनोरंजन भी करदियां हन, साडे ज्ञान दे विच भी वाधा करदियां हन, ते सानू जीवन दे विच इक सफल इंसान भी बनांदियां हन, ठीक है। पर चोन करनी है सही पुस्तकां दी, सही किताबां दी, ठीक है, तां जो साडा जिहड़ा कि ये दिमाग सही पासे चल जाए। ते विद्यार्थी जीवन एक अजिहा पड़ाव है जे इस जीवन दे विच ही बेटा जे तुसी पुस्तकां पढ़न दी आदत पा ली ना ते सानू बहुत कुछ सीखण नू मिलेगा, ये ज्ञान तुहाडे को कोई छीन नहीं सकदा, क्योंकि कहिंदे ना इस समय बच्चे दा जिहड़ा ब्रेन बड़ा शार्प हुंदा जल्दी कैच करदे हर चीज़, ठीक है, मतलब दिमाग बड़ा चुस्त हुंदा है, इस करके जे विद्यार्थी जीवन दे विच आपां पुस्तकां पढ़न दी आदत पा लांगे तां सानू बहुत कुछ सीखण नू मिलेगा, एक सफल इंसान बनांगे ते सानू कदी भी जिंदगी दे विच कोई सानू नीवा नहीं दिखा सकेगा, सानू हरा नहीं सकेगा, बस सिर्फ ते सिर्फ किन नाल प्यार करना है पुस्तकां नाल, ठीक है। हुण आपां ऐसे स्टार्ट करदे आ, समझ आ पुस्तकां दा क्यों साडे जीवन च इंपोर्टेंस है, हुण इहनू ही आपां पॉइंट बना के उहदे विच आपां ऐड करांगे, ठीक है, जो मैं तुहानूं दस्सिया। सब तो पहले कोटेशन लिखो, होर भी कोटेशन तुसीं, ठीक है, तुसीं अपने आप बनाओ या देखो, आ भी गूगल दे विच हुंदी है, ऐड कर लेना, ठीक है। सब समया दी बात है वीरो, सारे लोगों नूं कह रहे हैं, ठीक है, कवि कि समय समय की गल है, जानूगा बस वही, वही व्यक्ति इस गल नूं जान सकता है, नाल मुहब्बत पक्की जी दी, जिस इंसान दी किताबां दे नाल प्यार है, किताबां नाल दोस्ती है, उंगल फड़न किताबां, सारी जिंदगी किताबां दा उंगल फड़ी रखदी, उहदा साथ दिंदियां, कभी छड़दियां नहीं है, दोस्त छड़ के चले जांदे है, जे तुसीं अज उहदा साथ नहीं दोगे दोस्तां नाल, कोई चीज मंगी नहीं दोगे, उहने तुहाडा साथ छड़ के चला जाणा, पर जे किताबां नाल प्यार करोगे, किताबां नाल मुहब्बत करोगे, किताबां सारी जिंदगी औखे समय दे विच ही तुहाडा साथ देणगियां, ठीक है जी सर। देख ली कोटेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है बेटा? हाँ जी, समझ आ गई बेटा? चलो हुण फर्स्ट पैरा लिखांगे जान पहचान या भूमिका, ठीक है, पुस्तकां की हन सानू ज्ञान का भंडार हैं, सो ठीक है, नॉलेज दिंदियां, पुस्तकां की हैं लिखो, भूमिका च लिखना स्टार्ट करो, पुस्तकां ज्ञान का भंडार हैं, सिंगल कॉमिया दे विच, हाँ ठीक है, पुस्तकां जिहड़ी कि ज्ञान का भंडार हैं, ये सानू बहुत कुछ सिखांदियां हैं, ठीक है। जिहड़े बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन दे विच ही पुस्तकां पढ़न की आदत पा लैंदे हन, ठीक है, पुस्तकां पढ़न की आदत पा लैंदे हन, वो एक चंगे नेक अते सफल इंसान बनते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन विच ही स्कूल दी लाइफ दे विच ही, ठीक है, पुस्तकां पढ़न दी आदत पा लैंदे हन, वो बच्चे एक चंगे नेक अते एक सफल इंसान बनते हैं। हाँ वो मैं पॉइंट बना के लिखांगी ना, हेडिंग बनावांगे बेटा, ठीक है। किताबां तो मिलिया होया ज्ञान ना तो साढ़े तो कोई छीन सकता है ना तो चोरी कर सकता है, ठीक है, किताबां तो मिलिया होया ज्ञान ना तो कोई
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ, ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਹੋਰ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਣੇ, ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਕਿਸਮਾਂ ਬੋਲ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤ, ਰਮਾਇਣ, ਹਾਂ ਗੀਤਾ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਿਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਮਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਥ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਿਥ ਕਿਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰੀ ਕਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ
ठीक है अपनी रुचि के मुताबिक किताबा पढ़ते हैं, जिस चीज भी जिंद रुचि होंगी है, जिस चीज इंटरस्ट होंगे वो मुताबिक ही जो कि लोग किताबा पढ़ते हैं। ठीक है जो किसी धर्म में रुचि है, जो बुजुर्ग लोग है ठीक है धर्म संबंधी किताबा पढ़ते हैं, छोटे बच्चे ठीक है कहानियां किताबा बुझारता ठीक है वे है वो इतिहास न संबंधित हो गया आर्ट शास्त्र संबंधित ठीक है आदि किताबा पढ़ते हैं। मिथ किताबा जो मिथियां आई होंगे रियल स्टोरी नहीं होंगे ठीक है ओके। और पुस्तक के लाभ दे तुसी हैडिंग में बोलने हैं पुस्तक दे लाभ ठीक है पुस्तक दे बहुत सारे लाभ हैं ठीक है सब हैडिंग हाँ जी बोलो हाँ सच्चा साथी पहला आप कोई और पॉइंट जिम्मे सब तो मेन चीज की मिलती है सानू हाँ सब तो पहला आप मेन पॉइंट है ज्ञान का भंडार ठीक है नॉलेज ज्ञान का भंडार ठीक है एक्सप्लेन सुनो बेटा पुस्तक की हैं ज्ञान का भंडार हैं क्योंकि बहुत सारी जी नॉलेज है ज्ञान है वो कितों मिलता है सानू पुस्तक तो ही मिलता है चाहे असी किसी विषय नाल अपने विषय मतलब सब्जेक्ट नाल साइंस है मैथ है एस एस टी है हिंदी पंजाबी ठीक है चाहे असी ज्ञान हाँ वो ज्ञान असी अपने विषय नाल संबंधी लेना होवे ठीक है फिर किसी महान शख्सियत के बारे लेना हो किसी चीज बारे कोई ज्ञान लेना हो ज्ञान कितों मिलता है सानू पुस्तक तो मिलता है ठीक है पुस्तक तो पढ़िया होया ज्ञान मिलिया होया ज्ञान सानू एक सफल इंसान बनाता है सानू तरक्की की राह ते लेके जाता है मिलिया होया ज्ञान सानू तरक्की की राह ते लेके जाता है सानू सफल इंसान बनाता है ठीक है कई बार सानू कोई चीज नहीं समझ आती तो असं किताबा चो पढ़ के ठीक है समझ सकते हाँ कि अपने ज्ञान में वाधा कर लेंगे हाँ ठीक है। चलो सैकेंड हैडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा बोलो सैकेंड हैडिंग बोलो बेटा कोई भी हाँ जी प्रणे गुरुआ ते महान लोकां बारे फिर वो लिखांगे सानू लिखांगे चंगे आचरण का विकास फिर वो हैडिंग बना लांगे ना ठीक है चंगे आचरण का विकास ठीक है बेटा करैक्टर करैक्टर ठीक है या चंगा इंसान चंगे आचरण का विकास नैचुरली बेटा उस बच्चे का करैक्टर वधिया हैगा जेड़ा वधिया किताबा पढ़ता है चंगिया किताबा पढ़ता है ठीक है जिवें किसी महान शख्सियत नाल संबंधित हो गया धार्मिक पुस्तक हो गई जी धार्मिक पुस्तक है सानू जिहड़ा कि ज्ञान तो दिंदियां हन सानू चंगियां गल्लां सिखांदियां जिवें गुरु नानक देव जी ने किन्नियां तुक्कां लिखाईयां मिठत नीवी नानका गुण चंगे तत् उन्होंने मिठा बोलना सिखाया अपनी बाणी च लिखा ना कि मिठा बोलो ठीक है किसी नूं माड़ा शब्द ना कहो हरेक नूं बराबर समझो दुख की घड़ी दे विच हरेक की मदद करो ठीक है वड्डियां दा आदर करो परमात्मा की भगती करो दुखां तो निराश ना हो ठीक है अपनियां जिहड़ियां कि लोड़ां ज्यादा इच्छावां दा त्याग करो मतलब जिहड़ियां ये चीजां जदों साडे विच आ जांदियां मतलब वह मतलब की करदियां साडे विच चंगे आचरण का विकास करदियां हन ठीक है साडा करैक्टर जिहड़ा कि अच्छा हुंदा है ठीक है पुस्तकां हन वह साडे चंगा आचरण बनांदियां हन ठीक है सानूं चंगा ते नेक इंसान बनांदियां हन साडे मिठा बोलना ठीक है मिठा बोलना किसी नूं माड़े शब्द ना कहने मिठा बोलना किसी नूं माड़े शब्द ना कहने परमात्मा की भगती करनी वड्डियां दा आदर करना वड्डियां दा आदर करना हाँ वड्डियां दा आदर करना किसी नाल लड़ाई झगड़ा ना करना ठीक है आदि सानू सिखाया हैं तो इस नाल साडे चंगे आचरण का विकास हुंदा है।
टेक्स्ट है, थर्ड हेडिंग बोलो, चलो थर्ड हेडिंग। एक मिनट, थर्ड लिखो, एक चंगा साथी। चंगा साथी, चंगा दोस्त। पुस्तक यहां एक साडा चंगा साथी हुंदिया, साडा दोस्त हुंदिया, जिस तरह सानू दोस्त सानू सही ते गलत दी ठीक है, सही ते गलत दे बारे दसदा है कि गलत है कि सही है। उसे तरह पुस्तक भी हैं सानू दसदियां हैं कि केड़ी चीज तुहाडे लई गलत है, केड़ी चीज सही है ठीक है। सानू सही रस्ता दिखांदियां, सही राह ते लैके जांदियां हैं ठीक है, सानू तरक्की दी राह वल लैके जांदियां हैं ठीक है। ते सानू ये दसदियां हैं जे तुसी ठीक है, जे तुसी बुरियां आदतां वल पै जाओगे तो तुहाडा सिर उत्ते सिर की नुकसान ही होगा ठीक है। चंगे साथी तरह साडा सारी जिंदगी साडा साथ दिंदियां, सानू इकला नहीं रहन दिंदियां ठीक है। चंगे साथी तरह पुस्तकां साडा दुख की घड़ी दे विच, मुसीबत की घड़ी दे विच ही साडा साथ दिंदियां हन, सानू जिहड़ा कि इकले कदे रहन नहीं दिंदियां। लिखना है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बोलो, फोर्थ हेडिंग। मनोरंजन, मनोरंजन दा साधन। शाबाश, नेक्स्ट लिखो, मनोरंजन दा साधन, इदा सोर्स है मनोरंजन दा, एंटरटेनमेंट। हुण तुसी जो छोटे सी या साडा लाइब्रेरी पीरियड हुंदा है, पर एक बच्चा अपनी उनी ठीक है रुचि दे अनुसार किताबा पढ़ दियो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग ठीक है। जिहड़े की है जिहड़े पुस्तकां हन साडा ज्ञान दे विच दा वाधा, देखो पुस्तकां साडे ज्ञान विच वाधा तां करदियां ही हन, साडा मनोरंजन भी करदियां हन। बच्चे अपनी रुचि दे अकॉर्डिंग, रुचि मतलब इंटरेस्ट लिख लो, अपनी रुचि दे मुताबिक किताबा पढ़दे हन। कुछ बच्चियां नूं आदत हुंदी है कहानियां दी किताबा, कुछ बच्चे बुझारतां दी किताबा पढ़दे हन, बुझारतां रुचि दे पजल 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 ठीक है। कुछ बच्चे जिहड़े कि कहानियां दी किताबा पढ़दे हन ठीक है, कुछ बुझारतां दीआं ठीक है, कुछ लोग जिहड़े कि धार्मिक पुस्तकां पढ़दे हन ठीक है, जिवें बुजुर्ग है वड्डे है या पेरेंट्स है, कोई लोग बच्चों नूं भी आदत हुंदी ठीक है, कुछ लोग धार्मिक पुस्तकां पढ़दे हन ठीक है, कईआं नूं इतिहास बारे जानकारी लैण दी बहुत रुचि हुंदी है हाँ ठीक है। अपनी रुचि दे मुताबिक जिहड़े कि असीं अपने वेहले समें दे विच ठीक है पुस्तकां पढ़दे हां, इस नाल साडा मनोरंजन भी हुंदा है ते साडे ज्ञान दे विच वाधा हुंदा है ठीक है। रुचि दे अकॉर्डिंग, इंटरस्ट दे अकॉर्डिंग ठीक है, कोई धार्मिक पुस्तकां पढ़दा है, कोई कहानियां दी पढ़दा है, कोई कथावां पढ़दा है ठीक है, कोई पुजारता वाली किताबा पढ़ता है। एक्सप्लेन कर लो ना ठीक है, फोर फाइव लाइन। नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा, समय का सदउपयोग, सही उपयोग ठीक है, या वेले समय की सही वरतों लिख लो, वेले समय की सही वरतों ठीक है। वेले समय फ्री टाइम ठीक है, साडा ध्यान इधर उधर ना जाए ठीक है, असी शरारतां या गलत गल्लां ना सीखिए। फ्री टाइम है, बुक्स पढ़ लो, कोई भी बुक्स पढ़ लो, अपने सब्जेक्ट दी पढ़ लो, ना ही नई सब्जेक्ट दी दिल करदा, जिस चीज भी तुहाडा इंटरस्ट है वो लिया बुक्स पढ़ लो ठीक है। घर दे विच बड़े एक छोटी जी अपनी लाइब्रेरी बनाओ ठीक है, चाहे ज्यादा वड्डी नहीं, एक छोटी जी लाइब्रेरी, एक सेकंड, एक छोटी जी लाइब्रेरी बनाओ, अपने इंटरस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स रखो, उत्ते जिस चीज भी तुहाडा इंटरस्ट है चंगीआं पुस्तकां रखो, ताकि जो तुहाडा दिल करे तुसीं फ्री हो या उदास हो इकल्ले हो ठीक है, बुक्स पढ़ो ठीक है। सामने बुक्स तुहाडे कोल लाइब्रेरी छोटी जी बनी होएगी, तुसीं कोई ना कोई जिस चीज भी इंटरस्ट होएगा तुसीं बुक्स पढ़ो, नॉलेज तां वधेगी वधेगी, तुहानूं टाइम भी नहीं पता चलेगा किदां पास हो गया ठीक है। जो आप सफर करन जाने आ किसी बस दे विच ट्रेन दे विच इकल्ले हुंदे आ, कोई साडे नाल भी नहीं है ठीक है, बुक्स लेके जाओ अपने नाल, कोई ना कोई छोटी जी बुक्स लै जाओ जिहदे विच तुहाडा इंटरस्ट है, वो पढ़ो बुक्स,
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੋਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੋ ਨੋਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਲੇਜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਮਾਂ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਲਾਸਟ ਲਿਖੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਚਲੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ
जो बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन दे विच वध तो वध पुस्तकां पढ़ते अपने विषय तो इलावा अपने विषय तो इलावा अपने सब्जेक्ट तो इलावा वध तो वध पुस्तकां पढ़ते हैं वो जिंदगी दे विच कोई महान ठीक है कोई महान व्यक्ति या महान शख्सियत ठीक है या एक सफल इंसान जरूर बनते हैं। बेटा एक कदे ऐड लाभ दे विच एक पॉइंट ऐड कर लो पॉइंट चाहे मतलब एक लाभ दे विच मैं पॉइंट ऐड करवा रही हूँ ठीक है लाभ दे विच एक पॉइंट ऐड कर लो ठीक है प्रतियोगिता प्रतियोगितावां नूं जीतण विच सहायता जिहड़े किताबां हन असीं किसी भी प्रतियोगिता किसी भी एक्टिविटी दे विच भाग लेना है ठीक है किसी भी प्रतियोगिता विच भाग लेना है उस प्रतियोगिता नूं जीतण दे विच किताबां साड़ी पूरी पूरी मदद कर दिया हान ठीक है अगर कोई होर पॉइंट है तो ऐड कर रहे ठीक है क्लियर है ठीक है आप सेवन पारे किते बाकी आप किते किस्मा भूमिका ते सार ठीक है अपनी फेयर नोटबुक ते लिख लेना ते कल असी करांगे इकांगी सृजना।